बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शकरकंदी खट्टी मीठी चटनी के साथ, बहुत ही मज़े की भुनी हुई शकरकंदी आज हम बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार। तो आइए व्यूअर्स, इसे बनाना हम शुरू करते हैं। कौन कौन सी हमें यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है 1 किलो शकरकंदी, और यहाँ पे खट्टे का सामान हमारे पास, खट्टी मीठी हम चटनी आज बनाएंगे। 30 ग्राम इमली ली थी मैंने, इसे 2 घंटे भिगोने के बाद इसे मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। 10 से 12 खजूरें ली थी जो कि मैंने पानी में भिगो के रखी है, इसे अच्छे तरीके से मैंने पहले वॉश किया था। यहाँ पर 1/4 कप शक्कर का, 4 मेरे पास है साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून है नमक, 1/2 टीस्पून है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून है लाल मिर्च, 1 पिंच है मेरे पास टाटरी का, 1/2 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून है खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है चाट मसाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शकरकंदी को बनने के लिए छोड़ देते हैं चूल्हे पे। सबसे पहले इसके साथ ही एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे जस्ट 1 कप पानी का। हमें इसे स्टीम में पकाना है, तो ज़्यादा पानी में हम इसको नहीं गलाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम इसे शकरकंदी को इसमें लगाते जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे फ्लेम अभी मीडियम है, 2 से 3 मिनट फ्लेम मीडियम रहेगा, उसके बाद हम मीडियम टू लो कर देंगे। इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से कम 10 से 12 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से गल जाएगी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, चेक भी कर सकते हैं आप कि गल गई है, उसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बस, तब तक जब तक ये हमारी शकरकंदी जो है तैयार हो रही है, हम खट्टी मीठी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी साइड हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्चें, इन्हें हल्का सा हम सौते करेंगे, इनकी नमी को ख़त्म कर लेंगे हम। यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये सौते हो जाएंगी और कुरकुरी सी हो जाएंगी, तो ये ब्लेंडिंग में जल्दी से हो जाएंगी। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ले लिया है 1 जग, इसमें हमने ये जो सबसे पहले मिर्चें जो सौते की थी ये ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास दी जो खजूरें, इनका पानी मैंने रिमूव कर दिया है, ये ऐड कर देंगे। इमली का पल्प है, ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाले थे ये ऐड कर देंगे, और ये शक्कर हमें नहीं ऐड करनी। अब इन सभी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडिया। देखिए इस तरीके से हमने थिक सी चटनी बनाकर तैयार कर ली है। अभी हम इसी पैन में वापस डाल देंगे यहाँ पे, जब को अच्छे से साफ कर लेंगे। 1 कप के करीब हम पानी लेंगे इसमें, ताकि जग भी हमारा अच्छे से वॉश हो जाए, और वैसे भी हमने इसमें पानी ऐड करना ही था। तो यहाँ पे 1 कप हम पानी का ऐड कर देंगे इसमें, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक सी चटनी बनकर तैयार ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे इसी तरीके से पकाना है। और यहाँ पे हमारे पास जो शक्कर थी 1/4 कप ये ऐड कर देंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसमें, खट्टी मीठी सी चटनी ऐड बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे पकाते रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो ये देखिए बस, यहाँ पे एक थिक सी चटनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की। तो अब हम चलते हैं अपनी शकरकंदी की तरफ। ये देखिए तकरीबन इसको 15 मिनट लगे हैं, तो ये बिल्कुल ही गल चुकी है, देखने में पता चल रहा था। ये देखिए स्टीम से मैंने चेक भी किया था सेंटर में से, ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे व्यूअर जिस तरीके से मैंने इसे निकाल कर कपड़े पर रख लिया है, ये है मेरे पास तीखा सीख, इस तरीके से मैं इसमें लगाऊँगी। और हम इस तरीके से इसे चूल्हे पे 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरीके से हम इसे पका लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बन जाएगा।
अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे सिक रही है, और जगह है बाकी हम यहाँ पे इस तरीके से रख लेते ताकि फटाफट से हमारा काम हो जाए। इसके साइड को उलट पुलट करते रहेंगे हर तरफ से ये सिक जाए अच्छे से और एक मज़े का फ्लेवर आ जाए इसमें। जिस तरीके से हमें बाहर से सिकी हुई भुनी हुई मिलती है उस तरीके से हम घर पर बनाकर तैयार कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। इस तरीके से बहुत ही मज़े की बनती है, तो बाकी भी हम इस तरीके से बना लेंगे। ये मेरे पास सेकना है जिस तरीके से जिससे हम रोटी सेकते हैं डेली, ये वही है मेरे पास। ये देखिए व्यूअर्स अभी मैंने इस तरीके से सेक ली है, अब हम इसका छिलका उतार देंगे। अभी हल्की सी गर्म है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे फटाफट से हम इसका छिलका रिमूव कर देते हैं। बहुत ही मज़े की भुनी हुई खुशबू आ रही है, जिस तरीके से बाहर कोयलों पे मिट्टी में भुनाई होती है सेम वैसी खुशबू है इसकी। यहाँ पे छिलका हमने रिमूव कर दिया है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। एक को कट कर लेते हैं पहले, बाकी साइड पे कर देते हैं। जिस तरीके से जिस क्यूब्स में आप कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये पकी हुई है, अंदर तक से खुशबू आ रही है यहाँ पे। ज़्यादा छोटे पीस में नहीं करूँगी, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स कटिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो अब हम ये चटनी जो मज़े की हमने खट्टी मीठी सी बनाई थी इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। बहुत ही मज़े की बहुत ही खुशबूदार हमारी शक्करकंदी बनकर तैयार है। अगर आपको मीठी शक्करकंदी की रेसिपी चाहिए तो मेरा चैनल ओपन कीजिए। बहुत ही मज़े की हम पहले भी मीठी शक्करकंदी बना चुके हैं, आज हम बना रहे हैं खट्टी मीठी शक्करकंदी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।